चिंता दीजिए, 1 2 1 2 9 हमारे पास कितने डिजिट होंगे टोटल 9। ये 9 डिजिट इज रिपीटेड, हमने 3 डिजिट्स नंबर बनाया है और हमारे पास टोटल डिजिट है 9। टोटल डिजिट कितने हैं 9, 3 डिजिट हमने बनाना है, रिपीटेशन होनी चाहिए। जैसे हमने बैंक में से एक नंबर निकाला कोई, तो वो नंबर हमने बाहर ही रखना, अंदर नहीं डालना। अंदर डालेंगे तो हमारे पास वो रिपीटेशन हो जाएगी। तो अब हमारे पास केस कितने रह गए, एक डिजिट रह गए, एक डिजिट में से दूसरा नंबर निकाल लिया। अब हमारे पास डिजिट कितने रह गए, 7। इनकी हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 9 8 7, इसको हम लिख सकते हैं 9P3 परमुटेशन। कितना बनेगा, 9 8 जा 72, 7 जा 72 जा 14, 7 7 जा 49 और 1। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड इज, हाउ मेनी एन डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना। तो इसने यहाँ ये नहीं बताया हमारे पास नंबर कितने हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने होते हैं, 0 to 9 होते हैं। कितने होते हैं नंबर, नंबर इज 0 to 9, 10 डिजिट। कितने होते हैं, 10, ठीक है। उसमें से कितने डिजिट बनाना है हमने, 4 डिजिट। कितने डिजिट बनाना है, 4 डिजिट। तो आप लिखेंगे 10B4। जब हम जीरो को, देखो ये भी तो हमारा 4 डिजिट है, जब हम जीरो को फर्स्ट नंबर पे लेंगे, 1000 प्लेस पे लेंगे, तो उसको हम काउंट नहीं करते। तो जीरो को जब हम हटा देंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे, 9। और कितने नंबर काउंट किए जाएंगे, 3, जब जीरो को हम 1000 प्लेस पे लेंगे। तो ये हमने छोड़ दिया। सबसे पहले हमारे पास जब हम जीरो को अंदर लेते हैं तो 4 डिजिट काउंट होते हैं और टोटल डिजिट 10। जब हम जीरो को 1000 प्लेस पे लेते हैं तो डिजिट 3 काउंट होंगे, टोटल डिजिट 9 होंगे। तो यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे, 10P4 मीन्स 10 9 8 7 और 9P3 इज 9 8 7। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 9 8 7 हमारा कॉमन आया और यहाँ रह गया 10 माइनस 1। अब हमारे पास हुआ 9 8 जा 72, 72 into 8 जा 504 into 9 इस, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड इज, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, इवन नंबर कौन सा होगा जो इनमें से यूनिट प्लेस पे या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो। कितने डिजिट बनानी है, 3 डिजिट। तो 2 डिजिट हमें और चाहिए इनमें। कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट, हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं, 6। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, जब हमने एक डिजिट को फिक्स कर दिया तो हमारे पास डिजिट कितने रह गए, 5। रिपीट नहीं होगा तो जब हमने एक निकाल लिया तो कितना रह जाएगा दूसरा, को कितना हुआ, 20। केस कितने इवन नंबर के, 3, कितना बन गया, 16, ठीक है। इवन नंबर बनाने के केस हमारे पास 3 है। जब हम एक इवन नंबर को लेते हैं 2 वाले को, तो हमारे पास एक नंबर तो फिक्स हो गया, तो हमारे पास कितने नंबर रह गए, 5। 5 में से कितने बनाने, 2, 5 into 4 20। केस कितने हैं, 3 into 20 60 वेज हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि 3 वेज कितने हैं, इवन नंबर ऑफ 3 वेज। इफ 2 इज फिक्स देन वी टेक 2 नंबर 5 and 4, सिमिलरली 4 6, सिमिलरली 6 6, ठीक है। फाइंड द 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट, कितने, 5 डिजिट। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, इवन बताने हमने यहाँ से, इवन बताने हैं तो हमारे पास 2 तो हो गया, 2 हो गया फिक्स, कितने बनाने, 4 डिजिट। कितने रह गए, 3 डिजिट बनाने हैं और नंबर कितने हैं, 5 5 में से एक डिजिट फिक्स हो गया, रह कितने गए, 4 3 2। 5 नंबर थे हमारे पास, उसमें से एक नंबर कॉमन
हमने फिक्स कर दिया कितने रह गए 4, नाने कितने 3, तो 4 3 2 कितना बन गया 4 3 जा 12 2 जा 24। इवन नंबर के केस कितने बनेंगे, इवन नंबर ऑफ 2 वेज, तो 2 इनटू में 24 इज 48 वेज। ठीक है, इफ 2 इज फिक्स्ड देन वी टेक 3 नंबर, नंबर इज नॉट रिपीटेशन, फर्स्ट टेक 4 एंड सेकंड टेक 3, 32, 4 3 जा 12 2 जा 24, इवन नंबर ऑफ केसेस इज 2, देन आवर टोटल वेज इज 2 इनटू 24 इज 48 वेज। क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। एक चेयरमैन हो गया तो दूसरा वाइस चेयरमैन हो गया 8 सीट में, 8 वो दूसरा नहीं होगा 13 इंटू 7, इसका मींस क्या, हमारे पास 8 डिजिट है, 2 डिजिट हमने सेलेक्ट करनी है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 8 इंटू 7 इज 56। फाइंड n, इफ n माइनस 1 पी 3 रेशियो n पी 4, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 by में n, n-1, n-2, n-3, back counting, 4 digit back counting, 3 digits is 1/9, ये सब हमारा cancel हो गया, n कितना आ गया हमारा 9। यहाँ से आप देखिए 5 by 4 means 5 factorial, 5 minus r factorial is 2 into में 6 factorial, 6 minus r plus 1 factorial, 5 factorial, 5 minus r factorial is 2 into may 6 into may 5 factorial, 7 minus r, 6 minus r, 5 minus r factorial, 5 minus r factorial से 5 minus r factorial, 5 factorial से 5 factorial, यहां से हम क्या लिखेंगे, 7 minus r, 6 minus r is 12, r को मैं क्या पुट करूं के 12 आंसर आए, r is 4, 7 minus 4 is 3, 6 minus 4 is 5 ले लीजिए आप, 3 लीजिए, 7 minus 3 is 4, 6 minus 3 is 3, 4 into 3 is 12, तो r कितना गया हमारा 3। अब आप यहां पुट कीजिए, ये सेकंड पार्ट देखिए, 5 factorial, 5 minus r factorial is 6 factorial, 6 minus r plus 1 factorial, यहां से हमारा क्या बना, 5 factorial, 5 minus r factorial is 6 into में 5, 7 minus r, 6 minus r, 5 minus r factorial, back चलते जाएंगे हम, कहां तक, जहां तक हमारा number है, यहां से हमारे पास क्या आया, 7 minus r, 6 minus r is 6, तो 7 को जब मैं r को मैं 4 पुट करूंगी तो हमारा क्या आ जाएगा 6, r is 4, 7 minus 4 is 3, 6 minus 4 is 2, 3 into 2 is 6, तो r की वैल्यू क्या आ गई 4। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस।